हरियाणा के गृह मंत्री शुक्रवार को सिरसा में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान एलानाबाद से विधायक अभय चौटाला भी वहां पहुंचे थे। अभय आम जनता के बीच बैठे हुए थे, तभी अनिल विज बैठक में पहुंचे। वे अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, तभी उनकी नजर अभय चौटाला पर पड़ी तो उन्होंने अभय चौटाला को कहकर मंच पर बुलाया और बैठक का हिस्सा बनने के लिए कहा। इस बैठक के दौरान अभय चौटाला ने विज को कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 5 बजे के बाद कोई ऐसा लिंक रोड नहीं है जिसके ऊपर नशा बेचने वाले लोग गाड़ियों व मोटरसाइकिल पर खड़े होते हों। पुलिस उन लोगों को पकड़ने की बजाय देरी से पहुंचती है, तब तक आरोपी भाग जाते हैं। फिर पुलिस शिकायतकर्ताओं को कहती है कि तुम हमारा टाइम खराब कर रहे हो। विज ने अभय की शिकायत पर कहा कि आपने मुझे नशे पर पत्र लिखा था, मैंने उसी वक्त डीजीपी को शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए कहा है। अभय चौटाला द्वारा रखे गए अन्य मामलों पर विज ने कहा कि इन पर मैं अगली बैठक में डीसी व एसपी से एक्शन टेकिंग रिपोर्ट लूंगा। विज ने काम न करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपके बारे में एक बात बड़ी फेमस है कि आप जिस इशू पर संज्ञान लेते हो उसमें फिर से कोई इतनी बड़ी कहीं की किसी की भी सिफारिश हो, फिर आप उस सिफारिश को मानने की बजाय उस इशू पे कार्रवाई करवाने का काम करते। मैंने आपसे एक चिट्ठी लिखकर के रिक्वेस्ट करी थी कि पूरा प्रदेश आज जो नशे की चपेट में है, और प्रदेश में हमारे जिले में इस नशे को लेकर कोई ऐसा गांव शहर कस्बा नहीं बचा हुआ जिसके अंदर नौजवान बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल एक एक गांव में 10-10, 12-12 बच्चे अब से पहले इस नशे की वजह से मौत की शिकार है और आज भी वो नशा उसी तरह से दरियाम फिक रहा है। मैं आपको कल का एक उदाहरण बता दूं, मैं नोर बाजरा से होकर के जब सरसा तो रस्ते में 3-4 नगर में कौनसी टमसी के गांव में मैं रुकता हुआ है और वहां मुझे आम ये शिकायत लोगों ने करके बताई कि यहाँ शाम को 5 बजे के बाद कोई ऐसा लिंक रोड नहीं है जिसके ऊपर नशे बेचने वाले लोग गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से आकर के खड़े होते हैं। पुलिस को जब कंप्लेंट की जाती है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस उन लोगों को पकड़ने की बजाय समय देती है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बाद में पहुंचती है और वहां पहुंच करके शिकायतकर्ता से जाकर के पूछती है कि तैने हमें शिकायत कर लिया वो नशा बेचने वाले कहा है, तब तक वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर उसको कहते हैं कि तू हमारा समय खराब कर रहा है। एक तरफ तो हम नशे के रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति की सोच है कि खत्म, और दूसरी तरफ ऐसी हालत है तो फिर ये मान करके चलो कि इसका क्या इलाज होगा। इसको कैसे रोका जा सकता है जब नशा बेचने वालों को पुलिस का संरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा, जब उनको मौका मिल जाएगा भागने का तो फिर वो कैसे रोकथाम होगा। उसके मैदान में आपके प्रशासन की दो चीजें और भी आपसे बताऊंगा। मैंने स्वयं मेरा जो गोदलिया गोदाम था उस गांव के सरपंच के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप में शिकायत भेजी थी कि वहां पे मैंने जो गोदे गांव के मुताबिक जो पैसा गांव में खर्च करने के लिए दिया तो सरकार ने 1-1 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया उसमें खर्च करने के लिए दिया था। मैंने कहा कि उसकी जांच करके मुझे बताया जाए कि क्या वो पैसा सही ढंग पे सही जगह पे लगा गया। आज 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मुझे उसकी कोई अब तक आंसर दिया गया कि हमने इस पर क्या किया। इसी तरीके से अभी आप जैसे शिकायतें सुन रहे थे और साथ साथ आप कह रहे थे कि हम उसका निपटारा कर रहे हैं, हमारे जसानिया गांव है मेरे कौन से वहां के सरपंच को अरे उसको सजा तक एक तरह से सरपंच की सारी जो उसके खिलाफ कंप्लेंट थी उसको सुन लिया गया और उसको दोषी मान लिया गया, लेकिन आज तक उसको दोषी करार देकर के सस्पेंड नहीं किया गया।
आज भी वो गांव में उसी तरह से रेलवे सरपंच के पद पे बैठ करके काम कर रहे हैं। जोगीवाड़ा गांव का मेरा सरपंच है, हिजर जाति से संबंध रखता है, उसको गालियां दी गई, उसके साथ मारपीट की गई, उसके घर में जाकर के उसके कपड़े फाड़ दिए गए। उसने पुलिस में जब कंप्लेन करी तो पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के बजाय दोषियों को छाड़ दिया। आज ऐसी हालत है कि दो लोग उनमें ऐसे हैं जो लड़कियों के स्कूल के आगे बैठ करके दारू बेचते हैं। मैंने सदन डीएसपी से कहा, अरे उनका भले आदमी हो, कम से कम लड़कियों के स्कूल के आगे कोई दारू बेचता है तो उनको तो आप जा करके रोकने का काम करो, अगर वो मुजरिम है तो उनको अरेस्ट करो, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरीके से एक और मैं आपको घटना बताता हूँ। इलेक्शन के दौरान एक गरीब आदमी अपने खेत में मजदूरों की धड़ी के पैसे लेकर के, जो मजदूर बाहर से आए थे जुगाई के पैसे देने के लिए गया, उसके जुगाई के पैसे एक मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाला था उसके बेटे ने छीन लिए। एडीसी मौके पे पहुंचे, जाकर के इन्होंने पुलिस को कहा कि इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, जिसने पैसे छीने मोबाइल छीना है। मैंने एसपी साहब से सदन कई बार इस बारे में चर्चा करी कि मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए गरीब आदमी के, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आज तक उन लोगों को किसी को आप चलो बाकी अगले महीने सुनेंगे, इनका मैं आपको जवाब दे दूं। इसका जो आपने नशे के लिए मेरे को पत्र लिखा था, मैंने उसी वक्त उसको डीजीपी को एक्शन लेने के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया था और मैंने डीजीपी को कहा है कि उस पर कार्रवाई करके मुझे बताएं। जहां आपने बाकी विषय बताए हैं, जो अभी सारी आपने बातें बताई हैं, उसके लिए डीसी और एसपी ने नोट कर ली होंगी, अगली मीटिंग में उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ यहां कमेटी में पेश की जाए। वो सारी की सारी जो चाहे वो 1 करोड़ रुपए की बात है, चाहे सरपंच को वह चाहे मोबाइल छीनने की बात है, विद एक्शन टेकन रिपोर्ट अगली मीटिंग में पेश किया जाए। एक हमारे बीजेपी के महामंत्री ने बताया कि इसका कोई क्राइटेरिया बनाया जाए कि इसमें कितनी कौन कौन सी एप्लीकेशनें ली जाएंगी, वो आप क्राइटेरिया बना लो, कोई कमेटी बना लो, उसमें कोई अपने ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर भी रख लो और उसका क्राइटेरिया बना के उसके मुताबिक जितनी एप्लीकेशनें आपने इसमें रखनी है वो एप्लीकेशनें इसमें रखनी है। मैंने पहली ही मीटिंग में जो होम डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन सबको कह दिया था कि इसके लिए कार्य योजना बनाओ, तो हमने उसके ऊपर ऑपरेशन प्रहार शुरू किया हुआ है और वो जिलों में कार्रवाई हुई भी है कुछ, उसका हमने अभी रिव्यू किया था लेकिन वो काफ़ी कम है। तो उसके लिए एक तो हरियाणा में फुल टाइम जो नशे पर ही काम करे, हरियाणा ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स बनाने का मैंने आदेश दिया है, वो जब तक नहीं बन जाती एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। थानेदार को तो चोरी में भी जाना है, ट्रैफिक भी रोकना है, वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, तो वो फिर पक्की तरह से नशे जो का कारोबार करते हैं उनको चेज नहीं कर पाता, इसलिए हम अलग से बना रहे हैं। तब तक जब तक हरियाणा ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स नहीं बनता है तब तक जो हमारी एसटीएफ बनी हुई है अमिताभ ढिल्लो के नेतृत्व में, वो भी कई क्राइम के लिए बनाई गई है एसटीएफ, जो कई तरह के जैसे माइनिंग का हो गया, उसमें जहाँ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसका हो गया, कई मुद्दे हैं उसी के अंदर। अभी हमने एक वर्टिकल एक एसपी के अंडर ऑर्गेनाइजेशन बना दी है कि जो सिर्फ नशे का काम करेगी, और मैं हर महीने जो है इसकी मॉनिटरिंग करा करूँगा, हर महीने वो मुझे रिपोर्ट करेंगे और हम कमिटेड हैं कि हम हरियाणा से नशे को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। सर टाइम बाउंड रखा सर, कितना मकसद टाइम नहीं देखिए, अब ये तो समय तो इसमें लगेगा लेकिन जब रेगुलर हम इसको चेज करेंगे, रेगुलर इस पर कार्रवाई करेंगे तो ये काफ़ी रिकवरी हुई है, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं, कोई 350 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन मैंने अपने विभाग को कहा है कि आप जो सप्लायर हैं उनको काबू करिए, जो चेन है उसको तोड़िए,
ताकि हरियाणा में नशा आ ही ना सके, ये मैंने उनको कहा है और यही पुलिस का काम है। सर, सर मेडिकल कॉलेज की एक, हाँ जी, मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए सिरसा में कुछ कदम उठाए जाएंगे? मेडिकल कॉलेज की एक योजना आप लाए थे, अनाउंस किया था बनेंगे, तो उसमें कोई शिकायतें बहुत आती हैं सर मेडिकल सेवाओं को लेकर सिरसा में? देखिए ऐसा है, पिछले 5 साल में मैं स्वास्थ्य मंत्री था और हमने काफ़ी डिपार्टमेंट को सुधारने की कोशिश की। उसी के तहत जो हमारी ओपीडी थी वो 30% बड़ी सारे हरियाणा में, यानी लोगों का विश्वास स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ा। और जो शिशु मृत्यु दर थी जब मैं आया था वो 41 थी, हिंदुस्तान की 40 थी, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा थी, वो हमारे प्रयासों से कम होकर 28 रह गई। मैं एक मिनट, लेट मी स्पीक, वो 28 रह गई। जो मातृ मृत्यु दर थी वो 127 थी, वो उससे घटकर 198 रह गई। यानी बहुत कुछ हमने सुधार किया होगा तब ये चीज़ें जाके हुई। कैथ लैब हमने लगाई, डायलिसिस 14 जिलों में हम लगा चुके हैं, MRI CT स्कैन हमने लगाए। अब जो मैंने अपने विभाग को कहा है कि सारे प्रदेश की जो खंडर इमारतें हैं, चाहे CHC है, PHC है या बड़े अस्पताल हैं, उन सारों को रेनोवेट किया जाए, उन सारों की रिपेयर उनकी की जाए। 100 बेड से ज़्यादा के जितने अस्पताल हैं उनको एयर कंडीशन बनाया जाए। हर ज़िले में एक ट्रोमा सेंटर खोला जाए। और जो कैथ लैब हैं, जो हम दिल में स्टंट डालने का काम करते हैं, वो कम से कम आधे जिलों में ज़रूर हरियाणा के खोला जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और डायलिसिस की सुविधा 22 के 22 जिलों में मुहैया कराई जाए। जहाँ तक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डॉक्टरों की शॉर्टेज का, डॉक्टरों की शॉर्टेज है और डॉक्टरों की शॉर्टेज खाली हरियाणा में नहीं है, सारे हिंदुस्तान में है। और उसको दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रयास भी कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोलने की उन्होंने घोषणा की है, क्योंकि डॉक्टर बनाने के लिए तो मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। तो हरियाणा में इसको दूर करने के लिए हमारे पास आज की तारीख में 750 डॉक्टरों की कमी है और 750 डॉक्टरों की भर्ती हम इसी महीने करने जा रहे हैं। सारी प्रक्रियाएं उसकी पूरी कर ली गई हैं, 400 उसमें रेगुलर आधार पर करेंगे और 300 हैं वो हम एडहॉक आधार पर डॉक्टर भर्ती करेंगे। हमने एक मंजूरी ले ली है क्योंकि रेगुलर डॉक्टर भर्ती करने में हमें 2 साल का समय लग जाता है सारी परमिशनें लेने के। अब हमने एडहॉक की परमिशन ले ली कि जहां पर डॉक्टर की पोस्ट खाली हो वहीं पर CMO को अधिकार होगा कि वो एडवर्टाइजमेंट अखबार में निकाल के उसकी एडहॉक भर्ती कर दे। उसमें MBBS को पैकेज देंगे 80,000 रुपये का और जो स्पेशलिस्ट होगा और 3 साल की जिसकी एक्सपीरियंस होगा उसको देंगे 1.5 लाख रुपया। तो ये हम करने जा रहे हैं। देखिए, प्रदूषित पानी आ रहा है उसको ठीक किया जाना चाहिए, ये ठीक बात है, लेकिन पीछे एक सर्वे कराया था और उसमें रिपोर्ट आई थी कि दूषित पानी से कैंसर नहीं बढ़ता है, ये एक प्रचार है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। पानी साफ आना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए और मैं विभाग को कहूँगा जो भी उसके लिए दोषी विभाग जो है वो कार्रवाई करे। सर, सिरसा में, सिरसा जो है लिंगानुपात के मामले में नंबर 1 था, आज 20वें नंबर पर है। उसका मेन कारण ये है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में कन्याभ्रूण हत्या भी हो रही है और जांच भी हो रही है, क्या उसके लिए सर कोई? नहीं, वो हमारा हैंडीकैप है क्योंकि हरियाणा में तो हमने काफ़ी अपना दबाव बनाया कि कहीं पर भी लिंग जांच नहीं होती है और लोग डरते हैं और लोगों ने इसी कारण मुझे गब्बर का नाम दे दिया। लोगों ने कहा भी आप बंद कर लो नहीं तो अनिल भी जा जाएगा, अनिल भी जा जाएगा, लेकिन पड़ोसी राज्यों में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जाते हैं, वो जाकर वहाँ भी जाकर पकड़ते हैं, लेकिन हमने केंद्र मंत्री को कहा है कि सभी राज्यों में इसके बारे में सख्ती की। सर, गब्बर का एक्शन कब दिखेगा सिरसा जिले में? सर,
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ध्यान दिया धर्मपाल मलिक ने कि वीर साहब जो बात करते हैं, जहर जिम्मेदारा बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ओछापन लगता है। अब पता नहीं क्या उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं इसका। गब्बर का एक्शन कब दिखेगा सर? सिरसा जिले में 3 कैबिनेट मंत्री सिरसा जिले को मिले, अक्सर आरोप लगते थे विपक्ष की तरफ से कि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, अब 3 कैबिनेट मंत्री। अनिल विज आ गया यहाँ पर और आप उसका असर बहुत जल्दी देखेंगे। सर, आपकी सहयोगी पार्टी राम कुमार गौतम सीनियर विधायक है, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं अपने प्रमुख। देखिए आप, यह अब ये हमारी सहयोगी पार्टी का मसला है और वो उसको सुलझा लेंगे, हमारा उस पर बोलना ठीक नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कब तक आएगा सर? देखिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसकी हम एक मीटिंग कर चुके हैं और उसमें हमने जो कमेटी बनी है जिसमें 5 सदस्य हैं, मैं चेयरमैन हूँ, 2 JJP के हैं और 2 BJP के हैं। हमने अभी पहली कमेटी में तो बैठ के सामूहिक तौर पर दोनों पार्टियों का जो घोषणा पत्र है उनको पढ़ा है। अब उसके लिए ताकि इनके ऊपर गहनता से विचार किया जा सके, हर पॉइंट का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं तो सरकार पर कितना असर पड़ेगा, सरकार वो असर सह भी सकती है नहीं सह सकती, उसके लिए हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया और मांगे लीगली वाइबल भी हैं या नहीं है उसके लिए मैंने AG हरियाणा को दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही वो सारी तैयार करके, क्योंकि काफ़ी लंबा छोटा मामला है, तो सारा तैयार करके देंगे, जैसे ही वो आ जाएगा फिर हम एक एक मांग पर। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।